दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू एकेडमी पर आज जो आप सभी के लिए जो टॉपिक लेके आए हैं हम, वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडियन क्लाइमेट। तो हमने क्लाइमेट नंबर चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 4 है, क्लास 9th ज्योग्राफी सीरीज है। तो NCERT की सीरीज हमारी जो चल रही है उसी का चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट, उसी को हम पढ़ने वाले हैं। उसका हम जो उसके दो टॉपिक्स करीब इंट्रोडक्शन और एक आपका ये वाला टॉपिक जो है क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडियन क्लाइमेट। तो इंडिया के क्लाइमेट को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो है हमारा एक लैटिट्यूड, एक एल्टीट्यूड और एक प्रेशर एंड विंड। ठीक है, आपका एक प्रेशर एंड विंड्स की बात कर लेते हैं। दूसरा है लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड की अगर हम बात करें, देखिए हमारा देश जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आधा इधर है और आधा नॉर्थ में है और आधा साउथ में है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो हमारा ट्रॉपिकल एरिया में पड़ता है और जो आपका नॉर्दर्न पार्ट है वो सब ट्रॉपिकल एरिया में पड़ता है। तो इसका काफ़ी फर्क पड़ता है इन सब चीज़ों पर। ऐसा ही इसमें लिखा हुआ है कि सब ट्रॉपिक्स में एक पड़ता है सब ट्रॉपिक में और एक पड़ता है हमारा किधर, ट्रॉपिकल एरिया में पड़ता है। देयरफॉर इंडिया का क्लाइमेट हैज़ अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिक्स एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अब लैटिट्यूड की वजह से क्या होता है कि लैटिट्यूड की वजह से कि इंडिया का जो क्लाइमेट है उसके पास दोनों हैं। उसके पास क्या है कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी है इंडिया के पास में और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी है इंडिया के पास में। सो देन उसके बाद हमारा आता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मेनली मकसद अगर मैं कहूँ तो एल्टीट्यूड जो होता है, एल्टीट्यूड होती है हाइट। जैसा कि मैंने कहा था कि हाइट जब इंक्रीज करती है तो क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज करता है ना। जब हाइट इंक्रीज करती है तो टेम्परेचर डिक्रीज करता है, ये चीज़ आपको याद रखना बस। इंडिया का माउंटेन जो है नॉर्थ में अगर हम देखें तो वो करीब 6000 मीटर तक के जो माउंटेन्स है वो करीब 6000 मीटर तक के हैं। और इंडिया के पास में कोस्टल एरियाज़ की अगर हम बात करें वो भी काफ़ी मैक्सिमम एलिवेशन उनका, अगर कोस्टल एरियाज़ के जो एलिवेशन की बात करें तो उनका भी कम मैक्सिमम एलिवेशन अगर देखें तो वो 30 मीटर्स का ही एलिवेशन है। एलिवेशन बोले तो उठाओ कि उनकी जो हाइट है मैक्सिमम देखा जाए तो मैक्सिमम से मैक्सिमम उनकी 30 मीटर तक की हाइट है। ईस्ट के कोस्ट की अगर बात कर लेते हैं तो वेस्ट कोस्ट है हमारे पास। देन हिमालयन की हमारी बात करें, हिमालय क्या करता है कि हिमालय जो है हमारा, तो हिमालय जो है वो क्या करता है कि प्रिवेंट करता है कोल्ड विंड जो कि सेंट्रल एशिया से जो आ रही हैं उनको क्या करता है, रोक लेता है हमारे सब कॉन्टिनेंट में घुसने से। अब देखिएगा कि मान लीजिए ये हमारा हिमालय है और इधर से जो कोल्ड विंड्स आती हैं उनको क्या करता है, ये बैरियर के रूप में काम करके इनको, इन विंड्स को वापस भेज देता है ताकि इस वजह से हमारे देश के अंदर में क्या होता है, ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है। नॉर्मल ठंड पड़ती है, ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है एज़ कम्पेयर टू द, आप देखेंगे हिमालय के जो नॉर्थ साइड का एरिया है उसमें आप देखेंगे तो उसमें ज़्यादा ठंड पड़ती है। देन अब जरा हम देखते हैं कि इट बेस बिकॉज ऑफ दीज माउंटेन्स दैट सबकॉन्टिनेंटली एक्सपीरियंसेस कंपैरेटिवली माइल्डर विंटर एज कम्पेयर टू द सेंट्रल एशिया। देखिए मैंने जो कहा आपको कि वही चीज़ लिखी हुई है कि इसी वजह से जो हमारे देश इन्हीं माउंटेन्स की वजह से क्या होता है कि हमारा सबकॉन्टिनेंट क्या है, कंपेरेटिवली माइल्डर विंटर्स, हमारे को कम ठंड का एहसास करना पड़ता है एज कम्पेयर टू द सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में क्या होता है, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है इसी वजह से। क्यों? क्योंकि जो ठंडी हवा वहां से आ रही है वो हमारा हिमालयन जो हिमालय है वो उसको रोक देता है। तो इससे क्या होता है, क्लाइमेट में चेंज पड़ता है हमारा। देखिए हमारा क्लाइमेट पे फर्क पड़ गया ना, किससे, कि माउंटेन से और लैटिट्यूड की अगर हम बात करें, लैटिट्यूड से भी काफी फर्क पड़ गया, एल्टीट्यूड से भी फर्क पड़ गया। अगर मान लीजिए ये माउंटेन ऊंचा ना होता तो फिर क्या होता कि वो जो हवाएं हैं जो सेंट्रल एशिया से आ रही हैं वो डायरेक्ट के डायरेक्ट हमारे सब कॉन्टिनेंट में एंटर कर जाती और एंटर करती तो फिर हमारे जो कॉन्टिनेंट में बहुत ही ज्यादा ठंड का अनुभव हमें करना पड़ता। देखिए देन उसके बाद आता है प्रेशर एंड विंड्स। द क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय फॉलोइंग एटमॉस्फेयर कंडीशन। अब इंडिया के अंदर में जो क्लाइमेट है वो कुछ अलग इन प्रेशर कंडीशंस की वजह से डिटरमाइन किया जाता है। देखिए प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, अपर एयर सर्कुलेशन, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। अगर इंडिया के क्लाइमेट की बात देखें तो हम प्रेशर और सरफेस ऑफ द विंड्स, देखिए प्रेशर हम देखते हैं और विंड का सरफेस जो होता है उसको देखते हैं, एक ये चीज़ हमारा फर्क पड़ता है। दूसरा है अपर एयर सर्कुलेशन, उस विंड के ऊपर जो हवा है उसका क्या सर्कुलेशन है उसका फर्क पड़ता है। और वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज जो होते हैं हमारे वेस्ट साइड में जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज होते हैं और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं इनसे भी भारत के क्लाइमेट पे बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो अब चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं।
देखिए, इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स. इंडिया का इंडिया जो हमारा रीजन है वो लाई करता है नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स के रीजन में. दीज विंड्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. अब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है कि ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, वहाँ से ये जो ईस्टर्ली विंड्स हैं ये राइज करती हैं. तो अब ये क्या करती है, ये साउथवर्ड चलती हैं. दे ब्लो साउथवर्ड एंड गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स. अब ये साउथवर्ड चलती हैं. अब और क्या होता है कि कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्या होता है कि ये क्या डिफ्लेक्ट हो जाती हैं राइट साइड में, डिफ्लेक्ट हो जाती हैं. अब हम ये देखिए, यहाँ पे एक शब्द आ गया कोरियोलिस फोर्स. आप इस शब्द को जरूर याद रखिएगा. इस शब्द से जितनी जल्दी आप इस फोर्स से आप जितनी जल्दी ज्योग्राफी में फैमिलियर हो जाएंगे उतना अच्छा होगा. क्यों? क्योंकि आपको 9th क्लास में इस फोर्स के बारे में बहुत सी चीज़ें पढ़नी है, 11th क्लास में आपको बहुत सी चीज़ें पढ़नी है. अभी सिर्फ आप इसमें इतना याद रखिए कि ये कैसा एक फोर्स होता है. ये अगर इस फोर्स की बात कर लिए तो कोरियोलिस फोर्स इज एन अपेरेंट फोर्स कॉज्ड बाय द अर्थस रोटेशन. अब ये एक अपेरेंट फोर्स होता है अर्थ के रोटेशन से जो होता है. द कोरियोलिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्टिंग द विंड्स टुवर्ड द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड टुवर्ड द लेफ्ट इन द साउदर्न हेमिस्फेयर. दिस इज कॉल्ड द फेरल्स लॉ. इसको फेरल्स का लॉ भी कहा जाता है. अब थोड़ा सा इसका मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा. ये देखिए कोरियोलिस फोर्स किस प्रकार होता है. मान लीजिए ये हमारी क्या है, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ, सॉरी मैं एक बार से मिटा के दोबारा बनाना चाहूंगा. देखिए अच्छी नहीं बनी है, बाकी चलिए अब जो भी है. देखिए ये है हमारी अर्थ. अब अर्थ क्या है, अर्थ इस तरीके से रोटेट कर रही होगी. ठीक है, अर्थ क्या ऐसे रोटेट कर रही होगी. ठीक, अब ये रोटेट कर रही होगी तो देखिए यहाँ से जो हवाएं आएंगी क्या होगा, यहाँ से जो हवा आएंगी, मान लीजिए ये जो हवा आएंगी, ये जब इससे जब ये इक्वेटर के पास आएंगी और ये वाली इधर से जा रही होंगी. ठीक है, तो जब ये इक्वेटर के पास आएंगी तो ये वाली जो हवाएं हैं, ये हवाएं ऐसे इधर की तरफ में डिफ्लेक्ट हो जाएंगी और ये वाली हवा इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी. तो अब यही जो जिस फोर्स की वजह से ये जो हवाएं हैं इस जगह पर ये डिफ्लेक्ट हो रही हैं, यही जो यहाँ पर जो फोर्स काम कर रहा है वो उसी को हम बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स. आप थोड़ा और चलते हैं, अब देखते हैं कि जनरली दीज विंड्स कैरी लिटल मॉइस्चर एज दे ओरिजिनेट एंड ब्लो ओवर द लैंड, देयरफॉर दे ब्रिंग लिटल और नो रेन. इसीलिए क्या कि बहुत कम रेन और बिल्कुल ही ना के बराबर रेन ये लेकर के आती हैं. देन द प्रेशर एंड द विंड कंडीशन की अगर बात कर लें तो प्रेशर एंड विंड कंडीशंस ओवर द इंडिया आर यूनिक. ड्यूरिंग द विंटर देयर इज अ हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज. कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम दिस रीजन टू द लो प्रेशर एरियाज ओवर द ओशियन टू द साउथ. अब चलिएगा इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं. अब मैं आपको विंड का कंसेप्ट इसमें पढ़ के समझाने में कोई अच्छा नहीं लगेगा, मैं आपको सीधा बताता हूँ. देखिए मान लीजिए ये हमारा भारत देश है और ये हमारा क्या है, ये हमारा ओशियन रीजन है. ठीक है, अब ये क्या है हमारा ओशियन रीजन. जब मैंने क्या कहा था आपको कि जब टेम्परेचर बढ़ता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर क्या हो जाता है, प्रेशर घट जाता है. तो मान लीजिए ठंड के टाइम पर यहाँ पर प्रेशर इस क्षेत्र हमारे भारत देश में ठंड के टाइम पर इस वाले एरिया में क्या होता है कि टेम्परेचर घट रहा होता है तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है. क्या होता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर घटा हुआ होता है तो प्रेशर कैसा होता है, हाई प्रेशर होता है. और एज कम्पेयर टू इधर देखा जाए तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लो प्रेशर होता है. तो कोई भी चीज़ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है तो यहाँ से क्या होता है कि हवाएं फिर बाद में थोड़े दिनों बाद हवाएं यहाँ से इधर की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देती हैं. अब सेम इसका अपोजिट क्या होता है कि जब यहाँ पर हाई प्रेशर होता है और यहाँ लो प्रेशर होता है तो हवाएं इधर से इधर की तरफ में ट्रैवल करना शुरू कर देती हैं. तो ये एक साइकिल चलता रहता है आपका सीधा. तो आप इसको समझ चुके होंगे और अब एक बार रीडिंग भी मार लेते हैं इसकी. हम देखते हैं कि द प्रेशर एंड द विंड्स कंडीशन ओवर द इंडिया आर यूनिक. ड्यूरिंग द विंटर देयर इज अ हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालयास. विंटर के टाइम पर अगर हम देखें तो हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ हिमालय के नॉर्थ में क्या होता है, हाई प्रेशर एरिया बनता है. तो उससे क्या होता है, कोल्ड ड्राई विंड जो होती हैं वो ब्लो करती हैं उस रीजन में जहां पर प्रेशर क्या है, लो प्रेशर होगा.
जहाँ पर हाई प्रेशर है वहाँ से क्या होता है, विंड्स ब्लो करती हैं ऐसे एरिया में जहाँ पर लो प्रेशर है, ओवर द ओशियन टू द साउथ। अब ओवर द लो प्रेशर एरिया ओवर द ओशियंस, ओशियंस के ऊपर से होते हुए सीधा साउथ की तरफ चलती हैं इन समर्स। अब समर की बात कर लेते हैं, ये अभी जो हमने ड्यूरिंग विंटर की बात कही, अभी जो हमने बात करी वो करी हमने ड्यूरिंग विंटर की, अब हम बात कर लेते हैं समर की। अब हम समर की ज़रा बात कर लेते हैं, तो देखिए अब ये है हमारा समर का। अब समर में क्या होता है कि आपका अ लो प्रेशर एरिया डेवलप्स। अब समर में क्या होता है, लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है ओवर द इंटीरियर ऑफ द एशिया, एशिया के इंटीरियर पार्ट में, एशिया का जो इंटीरियर पार्ट है उसमें लो प्रेशर एरिया समर। देखिए मैंने क्या कहा, टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर गिरेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर गिरेगा। अब ये कह रहे समर की बात, समर में क्या कहता है, लैंड पे क्या होता है कि लैंड पे प्रेशर हमारा बढ़ता है। अब प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर क्या होता है, गिर जाता है। तो जैसे कि अब देखा इसमें लिखा हुआ है कि इंटीरियर में अगर हम देखें तो एशिया के तो लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है एज वेल एज ओवर द नॉर्दर्न नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, ऐसी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की तरफ भी ऐसा ही होता है। अब इससे क्या होता है, दिस कॉजेज अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन ऑफ द विंड। इसकी वजह से क्या होता है, कंप्लीट रिवर्सल हो जाता है विंड्स का। पहले जो विंड्स ओशन की तरफ जा रही थी, अब वो विंड्स इंटीरियर में आएंगी, क्या होगा, अब वो क्या है कि जहां पर गर्म है वहां की तरफ आएंगी वो हवाएं। क्यों, क्योंकि वहां पर लो प्रेशर एरिया डेवलप हो गया है। अब एयर मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर टू हाई प्रेशर एरिया ओवर द साउदर्न इंडियन ओशियन इन द साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन। अब एयर जो है हाई प्रेशर एरिया से साउथ इंडियन ओशियन से होती हुई साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन में क्रॉस करती है इक्वेटर को एंड टर्न राइट। अब और क्या करता है, राइट की तो तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। और यहाँ पर कि द लो प्रेशर एरिया ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, दीज आर नोन एज द साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। इन्हीं विंड्स को हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून विंड। अब देखिए साउथ इंडियन ओशियन से आ रही हैं साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शंस में, और जैसे ही वो इक्वेटर को क्रॉस करती हैं क्या होता है कि वो राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, टर्न्स राइट टुवर्ड द लो प्रेशर एरिया। अब लो प्रेशर एरिया की तरफ में क्या हो जाती हैं, वो टर्न हो जाती हैं। सो जो इस जगह पर जो आपका जो जो कंडीशन बनती है उस कंडीशन को हम बोलते हैं, वो जो विंड्स होती हैं उन्हीं विंड्स को हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, दीज विंड्स ब्लो ओवर द वार्म ओशन गैदर मॉइस्चर एंड ब्रिंग्स वेड स्प्रेड रेन ओवर द। अब ये क्या है? ये जो है ये जो हवाएं हैं ये क्या होता है, ये ओवर वार्म ओशन से ब्लो करती हुई जाती हैं और मॉइस्चर लेकर के आती हैं और वाइड स्प्रेड रेनफॉल करवाती हैं मेनलैंड, इंडिया के मेनलैंड में बहुत ही ज़्यादा अब बारिश करवाती हैं। द अपर एयर सर्कुलेशन, अब देखिए अपर एयर सर्कुलेशन की बात कर लेते हैं, हमने विंड का पढ़ लिया, लेटेंट हीट वाला भी पढ़ लिया। अब अपर एयर सर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो अपर एयर सर्कुलेशन में क्या होता है कि एक इम्पॉर्टेंट डोमिनेटेड वेस्टर्ली फ्लो चलता है रीजन में, तो वो जो होता है उस इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फ्लो ऑफ एयर को बोलते हैं हम जेट स्ट्रीम। ऊपर जो चलती हैं वो होती हैं जेट स्ट्रीम। देखिए मान लीजिए ये है हमारा सरफेस, सरफेस के ऊपर नॉर्मल विंड सरफेस विंड चलेंगी, इसके ऊपर जो है ये वाला जो पार्ट है इसके ऊपर जो चलती हैं वो आपकी बोलते हैं अपर सर्कुलेशन एयर चलता है वो आपका। ठीक है, देन एक मिनट अब देख लेते हैं कि दीज जेट स्ट्रीम्स आर लोकेटेड अप्रॉक्सीमेटली 27 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ये जेट स्ट्रीम्स जो हैं आपको इस लैटिट्यूड पर मिल जाएंगी, देयरफॉर दे आर नोन एज द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, इसीलिए इनको सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहा जाता है। ओवर इंडिया दीज जेट स्ट्रीम्स ब्लो साउथ ऑफ द हिमालय। इंडिया में देखें तो इंडिया के साउथ में ये हिमालय के साउथ में क्या करती हैं, ये फ्लो करती हैं ऑल थ्रू द ईयर एक्सेप्ट इन समर, पूरे साल चलती हैं सिर्फ समर को छोड़ करके। वेस्टर्ली साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज एक्सपीरियंस इन द नॉर्थ एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री आर ब्रॉट इन बाय दिस वेस्टर्ली फ्लो। अब देखिए अभी ये जो जब भी जो साइक्लोन वगैरह आते हैं डिस्टर्बेंसेज जो भी होते हैं साइक्लोनिक वेस्टर्ली साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज होते हैं जो कि नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट पार्ट में इंडिया के होते हैं वो सिर्फ इन्हीं वेस्टर्ली फ्लो की वजह से ही होता है। अब समर में देख लेते हैं कि समर में द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स मूव्स नॉर्थ ऑफ द हिमालयस
विद द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। जो सब ट्रॉपिकली वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हैं वो हिमालय के नॉर्थ में चलती हैं, जब मूवमेंट अपेरेंट जो मूवमेंट वो सन का जो मूवमेंट होता है उसके अपेरेंट में चलती है, उसके बिल्कुल अपोजिट में चलती हैं। एज ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स कॉल्ड सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। अब ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स को क्या कहा जाता है, सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स ब्लो ओवर द पेनिनसुलर प्लेटू। अब ये जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स है वो पेनिनसुलर प्लेटू पेनिनसुलर इंडिया के ऊपर में ब्लो करती हैं अप्रॉक्सीमेटली ओवर द 14 डिग्री नॉर्थ। अब 14 डिग्री नॉर्थ में ये आपकी अप्रॉक्सीमेटली अगर देखें तो 14 डिग्री नॉर्थ में चलती हैं ड्यूरिंग द समर मंथ। अब समर मंथ के टाइम पे ये चलती हैं। अब आपको याद रखना है कि कौन कौन सी जेट स्ट्रीम्स चलती हैं। एक तो होती है आपकी सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, एक होती है आपकी एक जो है आपकी वो है देखिएगा यहाँ पर सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स ये है। तो अब हम थोड़ा सा ये जेट स्ट्रीम्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि देखिए जेट स्ट्रीम्स होती क्या हैं। देर आर नैरो बेल्ट्स ऑफ हाई अल्टीट्यूड्स अबव 12,000 मीटर्स। देखिएगा अब 12,000 मीटर्स के ऊंचाई पर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर कुछ नैरो बेल्ट मिल जाती है हमें हाई अल्टीट्यूड पर, जिन्हें हम वेस्टर्ली विंड्स के रूप में वेस्टर्ली विंड्स इन द ट्रोपोस्फेयर में मिलती हैं हमको। तो इनकी स्पीड अगर हम देखें तो इनकी स्पीड 110 किलोमीटर से लेकर के 184 किलोमीटर तक होती है। 110 किलोमीटर इनकी समर में होती है और 184 किलोमीटर अगर हम देखें तो वो विंटर में इनकी स्पीड होती है। अ नंबर ऑफ सेपरेट जेट स्ट्रीम्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। अलग अलग तरीके की जेट स्ट्रीम अभी तक आइडेंटिफाई की गई हैं। मोस्ट कॉन्स्टेंट आर मिड लेटीट्यूड एंड द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स। जो मोस्ट कॉन्स्टेंट सबसे ज़्यादा कॉन्स्टेंट अगर हम देखें तो वो मिड लेटीट्यूड और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स हैं, ये सब ये कॉन्स्टेंट जेट स्ट्रीम्स हैं। उसके बाद एक इधर भी है आपका वेस्टर्ली साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस के बारे में पढ़ लेते हैं कि देखिए द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस आर वेदर फेनोमिना ऑफ द विंटर मंथ ब्रॉट इन बाय द वेस्टर्ली फ्लो फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन। अब मेडिटेरियन रीजन से क्या होता है कि जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस विंटर मंथ में जो फेनोमिना होता है आपका वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस आर द वेदर फेनोमिना, ये वेदर फेनोमिना जो आपका होता है जिस जो कि वेस्टर्ली फ्लो की वजह से मेडिटेरियन सी की आता है। तो दे यूजुअली इन्फ्लुएंस द वेदर ऑफ नॉर्थ। ये क्या होता है नॉर्थ साइड का और जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन का इंडिया का रीजन है वहाँ पर क्लाइमेट को काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है ये। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अकर ड्यूरिंग द मानसून। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं हमारे वो क्या है मेनली देखें तो हम मानसून के टाइम पर ये आते हैं और कभी कभार अक्टूबर और नवंबर के टाइम पर भी आते हैं। आर अ पार्ट ऑफ ईस्टर्ली फ्लो। जो मानसून के टाइम पर आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं वो और अक्टूबर नवंबर के टाइम पर जो आते हैं वो ईस्टर्ली फ्लो की वजह से आते हैं। दीज डिस्टर्बेंसेस अफेक्ट द कोस्टल एरियाज। ये जो डिस्टर्बेंसेस तो ये क्या था कोस्टल एरियाज को अफेक्ट करते हैं। Have you read about heard about the disaster caused by them in Odisha and Andhra Pradesh? अब उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में जो भी आपका डिजास्टर हुआ उसके बारे में आपने कभी पढ़ा हो तो आप जानेंगे, तो आपका होमवर्क है कि आप ये पढ़ेंगे ज़रूर। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा ये आज का जो टॉपिक था ये ख़त्म होता हुआ और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय। जय हिंद। जय भारत।